Hey everyone, I am Pawan from TCML and right now I am doing MBBS internship and in this video I am discussing about 4 points. Number first point is laryngoscope, second point how to assemble laryngoscope, number third point direct and indirect laryngoscopy, and number fourth point मलम पट्टी classification and Cormac Lehan classification. और देखिए अब हम ईच पॉइंट की वन बाय वन बात कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं लेरिंगोस्कोप के ऊपर. और देखिए लेरिंगोस्कोप के टू पार्ट होते हैं. सबसे पहले क्या होगा हैंडल एंड सेकंड नंबर पे क्या होगा ब्लेड. देखिए ये स्काल्पल जैसा ही है. मतलब अभी 3-4 दिन पहले मैंने TCML पर एक सर्जिकल स्काल्पल नाम से वीडियो अपलोड की थी. एंड जो सर्जिकल स्काल्पल होती है उसके भी टू पार्ट होते हैं. सबसे पहले क्या होगा हैंडल, जिसे क्या बोलते हैं बीपी हैंडल. एंड सेकंड नंबर पर क्या होता है सर्जिकल ब्लेड. ओवरऑल जो बीपी हैंडल है और सर्जिकल ब्लेड है, इन दोनों को मैं आपस में अटैच करा दूं तो इस पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं स्काल्पल. मतलब कि स्काल्पल इज इक्वल टू सर्जिकल ब्लेड प्लस हैंडल. ओके, तो इसी तरह से जो लेरिंगोस्कोप होता है इसके भी टू पार्ट होते हैं. सबसे पहले क्या होगा हैंडल, देन सेकंड नंबर पे क्या होगी ब्लेड. एंड जो लेरिंगोस्कोप की ब्लेड है और जो हैंडल है, इन दोनों को अगर मैं आपस में अटैच करा दूं तो इस पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं लेरिंगोस्कोप बोलते हैं. एंड जो लेरिंगोस्कोप की ब्लेड होती है ना, ये डिफरेंट शेप की होती है और मोस्टली हम टू शेप की लेरिंजियल ब्लेड पढ़ते हैं. एंड इनमें से नंबर वन कौन सी होगी कर्व्ड ब्लेड, जिसे हम क्या बोलते हैं मैकिंटोन्स ब्लेड. एंड सेकंड नंबर पे कौन सी होती है स्ट्रेट ब्लेड, जिसका नाम क्या है मिलर ब्लेड. और देखिए इनके नाम से ही क्लियर है. मैंने पहले क्या बोला कर्व्ड, कर्व्ड को क्या बोला मैकिंटोन्स. तो देखिए मैकिंटोन्स जब मैं इसकी स्पेलिंग लिखूंगा तो थर्ड नंबर पे क्या आता है सी आता है. मतलब कि सी मतलब कर्व्ड, यानी कि मैकिंटोन्स ब्लेड कौन सी होती है कर्व्ड शेप की होती है. एंड सेकंड ब्लेड मैंने कौन सी बताई मिलर ब्लेड. एंड जो मिलर का थर्ड लेटर है वो क्या है एल. एल कौन सा है स्मॉल एल, और स्मॉल एल को हम एकदम स्ट्रेट लिखते हैं, सीधा लिखते हैं. तो ओवरऑल स्ट्रेट ब्लेड कौन सी होगी मिलर ब्लेड होगी. और देखिए आप अभी इस वीडियो के अंदर कौन सी ब्लेड देख रहे हैं कर्व्ड ब्लेड. देखिए इस ब्लेड के ऊपर एकदम क्लियर मेंशन है, क्या लिखा है MAC. MAC मतलब मैकिंटोन्स शॉर्ट में लिख रखा है. और वही थर्ड लेटर क्या है सी, सी मतलब कर्व्ड, यानी कि कौन सी होगी मैकिंटोन्स ब्लेड होगी. और आप अभी इस वीडियो के अंदर दोनों ब्लेड में डिफरेंस देख रहे होंगे कि जो मैकिंटोन्स ब्लेड होती है वो कौन सी होती है कर्व्ड होती है, और जो मिलर ब्लेड होती है वो एकदम स्ट्रेट ब्लेड होती है. एंड मैकिंटोन्स ब्लेड इन्हें मोस्टली हम एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, एंड मिलर्स ब्लेड इसे हम चिल्ड्रंस के अंदर यूज करते हैं. ओके, तो ओवरऑल मैंने पूरी लेरिंगोस्कोप की बात कर ली. एंड अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, और वो क्या है हाउ टू असेंबल लेरिंगोस्कोप. मतलब कि लेरिंगोस्कोप का जो हैंडल होता है और जो लेरिंगोस्कोप की ब्लेड होती है, इन दोनों को हम आपस में कैसे अटैच करवाते हैं. एंड आप अभी इस वीडियो के अंदर लेरिंगोस्कोप का हैंडल और ब्लेड देख रहे होंगे. एंड लेरिंगोस्कोप की जो ब्लेड होती है इसके ऊपर क्या होता है हुक प्रेजेंट होता है, एंड लेरिंगोस्कोप के हैंडल के ऊपर एक रोड प्रेजेंट होती है. ओवरऑल जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें लेरिंगोस्कोप को असेंबल करना है, तो हमें क्या करना है जो ब्लेड के ऊपर हुक है उसे हैंडल के ऊपर जो रोड है उसके ऊपर सेट करवाना है, मतलब उसके ऊपर फिट करवाना है. एंड हमें अपने माइंड के अंदर टोटल 4 स्टेप रखनी है, और इन्हीं 4 स्टेप के अंदर हम पूरे के पूरे लेरिंगोस्कोप को असेंबल करेंगे, मतलब कि ब्लेड को हैंडल के ऊपर फिक्स करेंगे. एंड इन 4 में से नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है जो लेरिंगोस्कोप की ब्लेड होती है उसके अंदर जो हुक प्रेजेंट होता है उसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, एंड हैंडल के ऊपर जो रोड होती है उसे आइडेंटिफाई कर लो. तो ओवरऑल सबसे पहले पॉइंट के अंदर मैंने ब्लेड का जो हुक है एंड हैंडल के ऊपर जो रोड है उसे आइडेंटिफाई कर लिया. सेकंड पॉइंट के अंदर मैं क्या करूंगा इन दोनों को एकदम क्लोज ले आऊंगा, मतलब कि ब्लेड के ऊपर जो हुक है एंड हैंडल के ऊपर जो रोड है मैं उन्हें एकदम क्लोज ले आया, एक दूसरे के पास ले आया. एंड थर्ड पॉइंट के अंदर मैं क्या करूंगा अब मैं ब्लेड को नीचे की तरफ पुश करूंगा ताकि जो हैंडल की रोड है वो हैंडल के हुक के अंदर एकदम फिट आ जाए. तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ब्लेड को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ ताकि हैंडल की जो रोड है वो ब्लेड के हुक के ऊपर एकदम फिक्स आ जाए. और देखिए जैसे ही फिक्स होगा ना तो आपको एक आवाज आएगी. देखिए मैं कर रहा हूँ अभी वीडियो के अंदर. ओके, तो देखिए आपको भी आवाज आई होगी, मतलब कि जो ब्लेड का हुक है वो हैंडल की रोड के ऊपर फिक्स हो गया. एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यानी कि 4th पॉइंट, इसमें मुझे क्या कराना है एक्सटेंशन कराना है. अरे यार आप पढ़ते हो ना एल्बो जॉइंट के अंदर, एल्बो जॉइंट ये क्या होता है हिंज जॉइंट. मतलब इसमें क्या होगा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. फिर गलती बोल दिया, दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन. फ्लेक्शन मतलब दोनों के बीच एंगल कम हो रहा है, एंड एक्सटेंशन मतलब आर्म और फोर आर्म इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है. तो
तो दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। तो मुझे यहाँ पर क्या कराना है, एक्सटेंशन, मतलब कि लेरिंगोस्कोप की जो ब्लेड है और लेरिंगोस्कोप का हैंडल है, इन दोनों को मुझे दूर दूर लेके जाना है। एंड देखिए, जैसे ही मैं दूर दूर लेके जाऊंगा तो ओवरऑल जो ब्लेड है वो हैंडल के सॉकेट के ऊपर एकदम फिट हो जाएगी, और वही यहाँ पर जैसे ही फिट होगी ना तो जो लेरिंगोस्कोप की लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ओके, आपको भी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल हमने क्या कर लिया, पूरे के पूरे लेरिंगोस्कोप को असेंबल कर लिया, एंड जो ये लेरिंगोस्कोप है ये अब एकदम रेडी है। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर थर्ड पॉइंट, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के ऊपर। और देखिए, इनके नेम से ही इनका वर्क क्लियर है, मतलब कि जब हमने लेरिंगोस्कोप पूरा का पूरा असेंबल किया और मैंने बोला कि ये लेरिंगोस्कोप अब वर्क के लिए रेडी है, तो ओवरऑल इस लेरिंगोस्कोप से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, मतलब कि इस लेरिंगोस्कोप को हम पेशेंट के माउथ के अंदर डालेंगे एंड हम क्या करेंगे, जो वोकल कॉर्ड्स होती है उन्हें डायरेक्ट अपनी आंखों से देखेंगे। मतलब मैं अपनी आंखों से पेशेंट की वोकल कॉर्ड देख रहा हूं, किसके थ्रू, लेरिंगोस्कोप के थ्रू। तो ओवरऑल लेरिंगोस्कोप ने क्या करवाया, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करवाई, मतलब कि मैं डायरेक्टली अपनी आंखों से पेशेंट की वोकल कॉर्ड देख रहा हूं। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, मतलब कि मैं अपनी आंखों से पेशेंट की वोकल कॉर्ड्स नहीं देख रहा हूं, मतलब कि पेशेंट की वोकल कॉर्ड्स है ना, उसकी इमेज पहले लेरिंजियल मिरर पर बन रही है, एंड देन फिर उस लेरिंजियल मिरर की जो इमेज है उसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यानी कि डॉक्टर अपनी आंखों से देख रहा है। तो हो गया ना इनडायरेक्ट, मतलब कि पेशेंट की वोकल कॉर्ड की इमेज पहले मिरर पर बनी, लेरिंजियल मिरर पर बनी, एंड देन फिर उस मिरर वाली इमेज को डॉक्टर देख रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली देख रहा है, मिरर के थ्रू देख रहा है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि जो लेरिंगोस्कोप होता है इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, एंड जो लेरिंजियल मिरर होते हैं इससे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। ओके, एंड अब हम हमारी वीडियो के लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, और इसके अंदर मैं टू क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। सबसे पहला क्या है, मलम पट्टी क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड नंबर पे क्या है, कोरमेक लिहान क्लासिफिकेशन। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इन टू क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, मतलब कि मलम पट्टी क्लासिफिकेशन एंड कोरमेक लिहान क्लासिफिकेशन, इनका मतलब क्या है। तो देखिए, पहले मैं आपको नाम याद करा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मलम पट्टी। अरे यार, आप सोचिए, आप कहीं गिर गए, आपको यहाँ पे कहीं घाव हो गया, वुंड हो गया, तो ओवरऑल क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मलहम लगाएंगे, जस्ट लाइक बीटाडीन लगा दी। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आप इसे पट्टी से बांध देंगे। तो देखिए, वही है, मलहम पट्टी अलग अलग कीजिए, मलहम मतलब जस्ट लाइक बीटाडीन, बीटाडीन का ऑइंटमेंट मैंने कहाँ लगाया, उंड के ऊपर लगाया, तो उसे ही हम लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, मलहम। ओके, एंड सेकंड नंबर क्या है, पट्टी, मतलब कि हम पट्टी से पूरे के पूरे उंड को फिर कवर कर देंगे, तो वही हो गया मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन। ओके, तो आई होप आपको नाम याद हो गया होगा। एंड अब आप बोलेंगे कि सर जो ये टू क्लासिफिकेशन है आप इन्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें समझा दो। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है, मतलब कि आपको टू पॉइंट के ऊपर फोकस करना है इन दोनों क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, माउथ ओपनिंग, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, जो टू वोकल कॉर्ड्स होती है उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो एकदम प्रॉपर है, मतलब कि सेकंड पॉइंट यानी कि स्पेस बिटवीन टू वोकल कॉर्ड एकदम सही है या नहीं है। एंड स्पेस बिटवीन टू वोकल कॉर्ड, इसे हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, रीमा ग्लोटिस या ग्लोटिस, एक ही बात है। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि सर हमने पेशेंट का मुंह ओपन क्यों कराना, सर हमें जो दोनों वोकल कॉर्ड है उन दोनों के बीच का स्पेस क्यों देखना। देखिए, बहुत सिंपल सा है भाई, आपको किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है तो सबसे पहले आपको उसका एयर वे, जहां से पेशेंट सांस लेता है, वो देखना पड़ेगा कि ये एयरवे प्रॉपर ओपन है या नहीं है। एंड आप खुद सोचिए, जो पूरा का पूरा एयरवे है अगर ये ओपन नहीं है तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर पेशेंट मर गया तो ऑफकोर्स बहुत ही रिस्क वाला मामला है। तो ओवरऑल हमें किसी भी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है या फिर इंट्यूबेशन करना है, इंट्यूबेशन मतलब कि पेशेंट के एयरवे के अंदर कोई प्लास्टिक की ट्यूब डालनी है, तो ओवरऑल सबसे पहले हमें पेशेंट का माउथ ओपनिंग, जहां भी हम ट्यूब डालेंगे वो प्रॉपर ओपन है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। एंड दोनों वोकल कॉर्ड के बीच का जो स्पेस है, यानी कि जो ग्लोटिस है, यानी कि रीमा ग्लोटिस है, वो प्रॉपर ओपन है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टू क्लासिफिकेशन बताए। पहला क्या है, मलम पट्टी क्लासिफिकेशन। एंड देखिए, इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना मुंह ओपन करो, देन हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को टंग बाहर निकालने का बोलेंगे, मतलब प्रोट्रूड। एंड पेशेंट का माउथ ओपन कराने के बाद एंड पेशेंट की टंग को प्रोट्रूड कराने के बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो यूवुला होता है, जो पिलर्स होते हैं, आप पढ़ते हो ना यार, एंटीरियर पिलर
पोस्टीरियर पिलर, उसके बाद जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो हार्ड पैलेट होता है, इन सबको मतलब कि जो भी फेरेंजियल स्ट्रक्चर होती है इन्हें हम देखते हैं किसके अंदर, मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड अब आप बोलेंगे सर इन्हें हम क्यों देखते हैं, अरे भाई हम देखेंगे ना कि जो ओपनिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है, हम लेरिंगोस्कोप के ब्लेड मुंह में डालने वाले हैं और जो प्लास्टिक की ट्यूब है मतलब कि एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसे भी हम पेशेंट की माउथ के अंदर डालने वाले हैं, तो ओवरऑल हमें पहले ओपनिंग तो देखनी पड़ेगी कि यार खुला है या नहीं है, पेशेंट का माउथ प्रॉपर ओपन है या नहीं है, कॉमन सी बात है भाई। तो ओवरऑल यही सारी चीजें मतलब कि यूबुला, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, इन्हें ही हम कहाँ देखते हैं, मलहम पट्टी ग्रेडिंग के अंदर। एंड अगर ये सारी ओपनिंग, ये सारी चीजें अगर हमें प्रॉपर दिखाई दे रही है, मतलब कि पेशेंट का माउथ प्रॉपरली ओपन है, यूबुला एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेड वन। देखिए मैं मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर पेशेंट का माउथ एकदम प्रॉपर ओपन है, ये सारी चीजें हमें एकदम प्रॉपरली दिखाई दे रही है, यूबुला एकदम अच्छे से विजिबल हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेड वन, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी ओपनिंग है, हम इंट्यूबेशन कर सकते हैं। एंड मलहम पट्टी की जो फोर्थ ग्रेड होती है उसका मतलब है कि जो पेशेंट का माउथ ओपनिंग है वो बहुत ही खराब है, इंट्यूबेशन में हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ओवरऑल एक मतलब बहुत ही अच्छा और चार मतलब बहुत ही खराब। ओके ओवरऑल क्या हो गया, मलहम पट्टी ग्रेडिंग। एंड सेकंड वाला क्लासिफिकेशन कौन सा है, कोर में एक लिहान क्लासिफिकेशन। एंड इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस मतलब कि जो टू वोकल कोर्ड होती है लेरिंग्स के अंदर। देखिए यहाँ पर ये लेरिंग्स है ना, और इसके अंदर क्या होती है, ट्रू वोकल कोर्ड्स। और ट्रू वोकल कोर्ड्स कितनी होती है, दो होती है, नंबर में दो होती है, और इन दोनों वोकल कोर्ड के बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस बोल दीजिए या बोल दीजिए रीमा ग्लोटिस, एक ही बात है। ओवरऑल दोनों वोकल कोर्ड के जो बीच का स्पेस है वो हम किसके अंदर देखते हैं, कोर में एक लिहान ग्रेडिंग। और क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक प्लास्टिक की नलची पेशेंट के एयरवे के अंदर डालनी है, और वो प्लास्टिक की नलची कहाँ तक जाएगी, दोनों वोकल कोर्ड के नीचे तक जाएगी। नीचे तक मतलब इंफ्राग्लोटिस। अरे यार आप पढ़ते हो ना, दोनों वोकल कोर्ड के ऊपर क्या होगा, सुप्राग्लोटिस। दोनों वोकल कोर्ड के बीच में क्या होगा, ग्लोटिस। एंड दोनों वोकल कोर्ड के नीचे क्या होगा, इंफ्राग्लोटिस। ओवरऑल जो प्लास्टिक की ट्यूब हम पेशेंट के एयरवे के अंदर डालने वाले हैं वो कहाँ तक जाएगी, वोकल कोर्ड के नीचे तक जाएगी, यानी कि इंफ्राग्लोटिस तक जाएगी। तो ओवरऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करेंगे और देखेंगे कि दोनों वोकल कोर्ड के बीच का जो स्पेस है, जो ग्लोटिस है, वो प्रॉपर ओपन है या नहीं है। अगर प्रॉपर ओपन है तो हम बोलेंगे कि यस, हम इस पेशेंट के अंदर एकदम अच्छे से इंट्यूबेशन कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी बात को अगर मैं एक लाइन के अंदर फिनिश करूं, मतलब कि डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के थ्रू हम क्या देख रहे हैं, दोनों वोकल कोर के बीच का स्पेस यानी कि ग्लोटिस, और इसकी जो ग्रेडिंग है, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम क्या है, कोर में एक लिहान क्लासिफिकेशन। एंड फाइनली इन दोनों क्लासिफिकेशन की एक बार मैं स्पीड से बात कर लेता हूँ। पहला क्या था, मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फेरिंजियल स्ट्रक्चर यानी कि यूबुला, एंटीरियर पिलर, पोस्टीरियर पिलर, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, तो ये किसके अंदर हो गया, मलहम पट्टी क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड सेकंड क्या है, कोर में एक लिहान क्लासिफिकेशन, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, और डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के थ्रू हम क्या देखते हैं, दोनों वोकल कोर्ड यानी कि ट्रू वोकल कोर्ड के बीच का स्पेस यानी कि ग्लोटिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीमा ग्लोटिस। ओके तो ओवरऑल इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 4 पॉइंट की बात की थी, वो 4 पॉइंट मैंने पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।